महादेव, जय श्री शंभु। अभी हम है बिहार झारखंड बॉर्डर के पास और यहाँ पर तो है कांवरियों का मेला जैसा लगा हुआ है, जो कि अभी आप पीछे भी देख सकते हैं और आगे की तरफ भी बहुत ही शानदार नजारा है। तो चलिए देर न करते हुए इस ब्लॉग को प्रारंभ करते हैं और दिखाते हैं बॉर्डर के पास कैसा नजारा है आज के दिन। ये जो आप देख रहे हैं यही है बिहार और झारखंड का दुम्मा बॉर्डर और यहीं पर सभी कांवरिये झारखंड में प्रवेश करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे आगे के तरफ बढ़ते हुए जाते हैं बाबा नगरी के तरफ और बाबा नगरी में जाने के बाद बाबा पर जलार्पण करते हैं। तो चलिए यहां से आगे के तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं यहां का नज़ारा कैसा है। और यहां पर यहां से जैसे ही आप आगे जाइएगा आपको और एक गेट देखने को मिलेगा। तो चलिए इस गेट से आगे तक चलते हैं और दिखाते हैं आपको इधर का नज़ारा कैसा है, कैसे सभी कांवरिये झारखंड में प्रवेश करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे बाबा नगरी की तरफ बढ़ते हैं। ये सारा कुछ हम आपको दिखाएंगे, तो ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा। तो अभी देखिए हम थोड़ा सा आगे आ चुके हैं बॉर्डर से, लगभग 200 मीटर आगे, और यहाँ पर जो है एक बड़ा सा गेट बनाया गया है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और वहाँ से देखिए सभी कांवरिये आ रहे हैं, तो ये देखने में नज़ारा बहुत ही सुंदर लगता है, जिस कारण से मैं यहाँ पर आके जो है वीडियो शूट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छा अच्छा नज़ारा मैं दिखा सकूँ सावन मेले का, कांवरिया पथ का। इसलिए इतना मेहनत कर करके एक एक वीडियो बनाते हैं। देखिए सब कोई कांवरिये आ रहे हैं और इनके पीछे जो है वो बड़ा सा गेट आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखिए मैं फिर से जो है आपको घुमा घुमा के दिखा रहा हूँ। देखिए क्या सुंदर नज़ारा लगता है जब सभी कांवरिये धीरे धीरे चलते हैं और घुंघरू का आवाज़ सुनने में और भी अच्छा लगता है। जब आप कांवरिया पथ से गुजरिएगा तो ये आवाज़ आपको सुनकर बहुत ही अच्छा लगेगा। तो देखिए किस प्रकार से सभी कांवरिये धीरे धीरे बोलबम का जयकारा लगाते हुए बढ़ रहे हैं बाबा धाम की तरफ, जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। यही नज़ारा है कांवरिया पथ का। तो चलिए अब यहाँ से धीरे धीरे आगे के तरफ चढ़ते हैं और चलते हैं बॉर्डर के तरफ और फिर आपको दिखाएंगे झारखंड बिहार दुम्मा बॉर्डर का नज़ारा, क्या कुछ व्यवस्था है वहाँ पर कांवरियों के लिए। ये देखिए यहाँ पर जो है ऊपर में सड़क गई हुई है, तो जहाँ भी आपने देखा सड़क के नीचे से ही सभी जगह कांवरियों को यहाँ मतलब कांवरिया पथ को गुजारा जाता है ताकि कांवरिया को कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ के बगल में ही आपको स्वास्थ्य व्यवस्था मिल जाएगा, स्वास्थ्य सुविधाएं मिल जाएगी, दवाई मिल जाएगा, यहाँ पर बेड वगैरह लगा हुआ है, तो आपको कोई भी तकलीफ हो तो यहाँ पर रुक के निःशुल्क आप इलाज करा सकते हैं। ऐसा बहुत सारा जो है जगह आपको कांवरिया पथ में मिल जाएगा जहाँ पर आपको निःशुल्क सेवा मिलेगा, निःशुल्क दवाई मिल जाएगा। तो कुछ भी दिक्कत हो वहाँ पर रुक के आप दवाई वगैरह ले सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर चापाकल शौचालय वगैरह का भी व्यवस्था है। तो यहाँ पर जो भी कांवरिये रुके हुए हैं झारखंड में प्रवेश करने के बाद, वो यहाँ पर कांवर रखे हुए थे, तो अब जो है कांवर के पास आके कान पकड़ के उठक बैठक कर रहे हैं और फिर यहाँ से कांवर लेके चल रहे हैं बाबा नगरी की तरफ, बाबा धाम की तरफ। और यहाँ पर आपको भुट्टा वगैरह खाने के लिए भी मिल जाएगा। तो ऐसा ही नज़ारा रहता है पूरे कांवरिया पथ का, सभी कांवरिये झूमते हुए आते हैं और जब झारखंड में प्रवेश करते हैं तो झारखंड बिहार का जो बॉर्डर है वहाँ से जैसे ही दो कदम झारखंड के तरफ आते हैं कांवरिये वहाँ पर जोर से नारा लगाते हैं, बाबा का जयकार करते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। बहुत सारे कांवरिये वहाँ पर रुक कर सेल्फी भी लेते हैं। और ये देखिए ये जो आपको दिखा रहे हैं ये मसाज मशीन है, यहाँ पर जो है आप मसाज भी करवा सकते हैं इस मशीन से। तो यहाँ पर 10 या 20 रुपये आपको चार्ज लग जाएगा। तो ऐसा कुछ यहाँ पर मशीन भी आपको लगा हुआ मिल जाएगा बॉर्डर के पास। तो चलिए धीरे धीरे आगे के तरफ चलते हैं और यहाँ पर एक जगह गर्म पानी का भी व्यवस्था है, तो वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा किस जगह पर जो है कांवरियों के लिए गर्म पानी का व्यवस्था किया गया है। वहाँ पर जो है आप गर्म पानी में पैर को हल्का हल्का सेक सकेंगे, अगर आपके पैर में कोई तकलीफ हो गया है तो उससे भी आपको थोड़ा छुटकारा मिल जाएगा, वो भी आगे आपको देखने को मिलेगा। तो ये ब्लॉग कैसा लग रहा है आप कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से धीरे धीरे और आपको दिखाते हैं यहाँ का नज़ारा। यहाँ पर आपको दोनों तरफ बहुत सारी दुकानें मिल जाएगी जहाँ पर आप चाय नाश्ता वगैरह कर सकेंगे, यहाँ पर विश्राम करने का भी व्यवस्था है, निःशुल्क शिविर भी है, वो भी हम आगे आपको दिखाएंगे। तो ब्लॉग अच्छा लग रहा हो तो कमेंट करना और लाइक करना मत भूलिए, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जो बोलबम आने वाले हैं उनको भी पता चल जाएगा कैसा व्यवस्था है बिहार में, कैसा व्यवस्था है झारखंड में और क्या नज़ारा है देवघर और झारखंड के इस जगह पर। तो चलिए आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं जहाँ पर आपको गर्म पानी मिलने वाला है। ये देखिए शिव भक्त मंडल यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा, जैसे ही आप बॉर्डर क्रॉस कीजिएगा आपको ये सीधे मिल जाएगा। और यहाँ पर एक जो है बढ़िया सा मूर्ति भी बनाया गया। तो चलिए धीरे धीरे अंदर की तरफ चलते हैं और यहाँ पर दिखाते हैं कैसे व्यवस्था किया गया है सभी कांवरियों के लिए। देखिए यहाँ पर कांवर रखने के लिए बहुत बड़ा जगह है, यहाँ पर अपना आप कांवर रख सकते हैं।
उसके बाद आप यहाँ से आगे के तरफ बढ़िएगा तो इधर भी देखिए आपको कांवड़ रखने का व्यवस्था किया गया और यहाँ पर एक जो है शिव भगवान का बहुत ही बड़ा मूर्ति बनाया गया। ये जो आप पंडाल देख रहे हैं यहीं पर गर्म पानी का व्यवस्था है सभी कांवड़ियों के लिए, तो चलिए मैं आपको वहाँ पर लिए चलता हूँ। ये देखिए यहाँ पर गैस से पानी गर्म किया जा रहा है, उसके बाद यहाँ पर सभी कांवड़ियों के लिए दिया जा रहा है। चलिए जानकारी लेते हैं कांवड़ियों से। अच्छा लग रहा है गर्म पानी, अच्छा लग रहा है ना, गरम है ना पानी, चलिए अच्छा लग रहा है, सेवा बढ़िया हो रहा है यहाँ पर। तो ये देखिए ऐसे ही पानी को गरम करके यहाँ पर जहाँ पर सबने पैर डुबा रखा है इस हद में पानी को छोड़ दिया जाता है। उसके बाद जिस भी कांवरियों को गर्म पानी में पैर रखना हो तो वो इस प्रकार से अपना पैर रखते हैं और थोड़ा आराम भी मिलता है उनको। तो आपको ये सारी व्यवस्थाएँ देवघर और झारखंड के बॉर्डर पर ही मिलेगा, दुम्मा बॉर्डर पर ही मिलने वाला है। जैसे ही आप झारखंड में प्रवेश कीजिएगा उसके बाद यहाँ पर आपको गर्म पानी का भी व्यवस्था मिल जाएगा। तो चलिए धीरे धीरे आगे के तरफ चलते हैं और अब चलते हैं गेट के आगे और आपको दिखाते हैं क्या कुछ व्यवस्था है आगे के तरफ, कैसे कांवरिए आ रहे हैं धीरे धीरे बाबा नगरी के तरफ। तो चलिए बॉर्डर के उस तरफ चलते हैं और जो है अब हम गेट के दूसरे तरफ आ चुके हैं और उधर देखिए बिहार से सभी कांवरिए धीरे धीरे आ रहे हैं और यहाँ से धीरे से बाबा के धाम में प्रवेश कर रहे हैं, बाबा धाम में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पर भी मुझे एक सब्सक्राइबर भाई मिल गए, चलिए उनसे भी थोड़ा बात कर लेते हैं। कहाँ से आप? जयपुर जिला से। देखते वीडियो ना? देखते पढ़े देखते थे। चलिए 27 तारीख को आए हैं, कमेंट भी करते हैं आपका सब्सक्राइबर। चलिए चलिए ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं या फिर जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं उनसे यही अनुरोध है अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसा वीडियो मिलता रहेगा। तो ये देखिए मैं फिर से आपको जो है एकदम गेट के पास से दिखा रहा हूँ, बिहार झारखंड बॉर्डर के एकदम नज़दीक से मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए किस प्रकार से सभी कांवरिए धीरे धीरे बाबा नगरी की तरफ बढ़ रहे हैं, बाबा का जयकारा लगाते हुए बढ़ रहे हैं और यहाँ से फिर चलेंगे बाबा नगरी, उसके बाद जाके सबसे पहले गंगा में डुबकी लगाएंगे, फिर जल संकल्प करके लाइन में लगेंगे और बाबा का दर्शन पूजा करेंगे। तो कुछ ऐसा ही नज़ारा आपको देखने को मिलेगा बिहार और झारखंड के दुम्मा बॉर्डर का। तो ये जो है मैंने आपको वीडियो पूरा जो है घुमा के दिखा दिया, ये नज़ारा मैंने आपको दिखाया दुम्मा बॉर्डर का, बिहार झारखंड के बॉर्डर का। यहीं से सभी कांवरिए झारखंड में प्रवेश करते हैं और फिर अपने बाबा भोले के दर्शन को बढ़ते हैं बाबा नगरी की ओर। जो भी यहाँ पर आ रहे हैं जैसे ही बाबा नगरी में प्रवेश कर रहे हैं, जैसे ही झारखंड में प्रवेश कर रहे हैं उसके बाद जो है जोर से नारा लगा रहे हैं, बोलिए एक बार प्रेम से बाबा बैद्यनाथ की जय, हर हर महादेव, इसी नारे के साथ जो है सबको झारखंड में प्रवेश करते हैं और बढ़ते हैं बाबा नगरी की तरफ। तो ये ब्लॉग आपको कैसा लगा, ये बिहार और झारखंड के दुम्मा बॉर्डर का, ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, हर हर महादेव, जय बाबा।